आप इनके बारे में मुझे कुछ बता रही थी आपने जी, ये कम बोलती है ना? बहुत कम बोलती हैं। आप ये के बोल कर देखेंगे कि अगर वो देती है, बट ये के जब पहले ये आई थी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो ये की अम्मा की बहुत हालत ये डिस्टर्ब थी। किस तरह, क्या करती थी? मतलब ये के सफाई सुथराई अपनी नहीं रखती थी, खाना ये है कि टाइम पर ना खाना या कचरे से उठाकर खाना। तो ये तो अभी ये कि काफी औरतों को हम लोगों ने जो बोला कि इसका प्रॉपर केयर करें, प्लस हमारे पास ये कि पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर्स के बाय मेडिकेशन के बाय काउंसलिंग के ये बहुत अभी ये कि बेटर कंडीशन। तो इन पे क्या चार्जेस है? किडनैपिंग फॉर रैंसम, बच्ची के अगवा के केस में। तो सजा हो गई है? नहीं, अंडर ट्रायल जी। नाज़रीन, आपने यहाँ की जो प्रिजन की सुपरिटेंडेंट है उनकी भी बातचीत सुनी, और उनका कहना यह है कि ये लोग डिनाइल में नहीं हैं। एक तो जाहिर सी बात है, हम यहाँ इनके साथ खुशियाँ शेयर करने आए हैं, लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि अनफॉर्चुनेटली ऐसे बातें पूछनी पड़ी हैं, क्योंकि शायद एहसास हो जाए मुआशरे में वो लोग ये देखकर इस प्रोग्राम से। कुछ हमारा मकसद होता है कि एहसास दिलवाना, और खुदा ना खास्ता ये नहीं कि किसी को हम शर्मिंदा करवाना चाहते हैं, बात ये है कि एहसास, बेटा हम एहसास ये दिलवाना चाहते हैं कि वो लोग जो देख रहे हैं वो ये ना देखें कि ये जो आज माहौल है ये तो आज सुपरिटेंडेंट साहिबा और सैलानी ट्रस्ट वाले जो हैं, अल्लाह ताला उनको और रहमतें और बरकतों से नवाजे, उनकी वजह से ये रौनकें यहाँ लगी हैं और उनकी वजह से ये माहौल है। वरना कुछ भी हो, जेल जेल ही होता है, और ये छोटे छोटे बच्चे आपके सामने हैं, ये यहाँ पल रहे हैं, यहाँ बड़े हो रहे हैं, और ये कोई जगह नहीं है रहने की, और अल्लाह ना करे कि कोई यहाँ आए। बहरहाल अम्मा आप कब से इधर हैं? एक साल। क्या नाम है आपका? अलादिती। ना बता ना। अलादिती। 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 अच्छा अच्छा, आपने क्या किया था? सब कुछ किया। सब कुछ किया? हाँ सब। क्या सब कुछ? ऐसा क्या कर दिया कि यहाँ आ गई? देखे वैसा करेगी, जैसा देखेंगी वैसा करेंगी, वैसा करेगी। क्या ये तो बड़ी गलत बात है। गलत की बात है, जिसके मान न हो तो वो क्या देगा? आखिर में ऐसा आदम हो जी जाओगी चीज दूध खीर कितना है? घास पाल नहीं, घर जो कम। आपने किसी का बच्चा अगवा किया है? घर का काम करना है, बच्चे अगवा ये थे घर की कैसे आ गए? ये कितना दिया? मैं क्या पता, मैं हमको पता ना है। हम आपको पता है आपकी तरह आप तो घर भी मेरे घर में आया कितना ज्ञान। आप घर में? हाँ घर में, मतलब घर में, घर में आपको घर मिले? हाँ जिसको घर मिला है। इधर खाना पीना मिलता है इसे? हाँ। कोई 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 तकलीफ तो नहीं? तकलीफ तो ये जदरे शिदरे मारे होने ऐसी फिल्म जो है मैं साल की थोन किसके बात क्या मैंने बना? क्या कह रही है ये? बोल रही है कि सब कुछ मिलता है, खाना पीना, ये मेरा घर है, मकसद है मेरा, बाहर कोई नहीं, मेरा यही घर है, ये बोल रही है। इनको पता है ये कहाँ है? नहीं, इसका दिमाग तो सही नहीं है ना। अच्छा, इसको मैं गोलियां चोलियां खिलाती हूँ, निलाती हूँ, सब कुछ मैं खुद इसका संभाल करती हूँ। अच्छा, मेरे रिश्ते में कुछ भी नहीं, लेकिन बस एक इंसानी के नाते भी। आप यहाँ किस जोन में? मैं कत्ल के केस में। आपके बच्चे वगैरह हैं? मेरे पांच बच्चे बाहर हैं। बाहर हैं? हाँ, पांच बाहर है, एक मेरे साथ बेटी सवेरा। किधर है वो? ये मेरे साथ अभी यहाँ फिर रही थी। हाँ, उन्हें वो वाली बड़ी वाली। बड़ी वाली? सवेरा। सवेरा। अच्छा, वो कितने साल की है? मैं एक साल की लेके आई थी, अभी छवां साल शुरू हो गए। एक साल की लाई थी? हाँ, ये मेरे को पांचवा साल शुरू है। ये आपकी बेटी है? हाँ, ये मेरी बेटी है। वेरी गुड। क्या नाम है भाई? बता ना। सवेरा। सवेरा, बड़ा प्यारा नाम है आपका। ईद मुबारक कह दो सबको। बोल दे ईद मुबारक, बोल देना ईद मुबारक, बोल दे, बस उनको शर्म आ रही है। अपने बारे में कुछ बताना चाहिए? हाँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हम चार जहाँ बंद थे, तीन बहनें एक माँ, हम ऐसे जुर्म डाला तक गया था। मेरे भाई की लड़ाई थी, मेरे भाई ने कत्ल करा था, दो मारे थे मेरे बड़े भाई ने, और दो मेरे भाइयों को और एक मेरे को सजा लगा दी ना, 14 साल मेरे को लगा दी जज ने, 4 साल बाद
चार साल केस चलते रहे, उसके बाद मेरे को 14 साल लगा दी, एक मेरे भाई को 17 साल लगा दी, एक को 25 साल लगा दी। मेरा नसीबा नाम है ना, और मेरी माँ और दो बहनों को बाइज्जत बरी कर दी है 4 साल बाद। माँ और बहनों को? हाँ। किसके ये हमारे पड़ोसी थे ना, दीवार पे मिस्त्री चढ़ा था, उस पर लड़ाई हुई है मर्दों मर्दों की। हम तो औरतें मियां वाली न्याजी है ना, हम तो घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं, बस वहाँ मर्दों की लड़ाई हुई, उन लोगों ने फायरिंग करी, मेरे भाई ने भी करी, गुलाम अब्बास नाम था उसका। वो जेल में जहाँ 1 साल गुजार के फौत हो चुका है, इधर ही वफात पाए। हाँ, जेल में उसके जबान पे कैंसर हो गई थी ना। अच्छा। यहाँ जेल में भी फौत हो गए। आपने अपना नसीबा नाम? हाँ, नसीबा नाम। मुझे नसीबा भी ये बताइएगा कि ये अभी तो 6 साल कटे हैं। हाँ, लंबा पांचवा साल शुरू है। हाँ। 1 साल की बेटी आई थी आपकी। हाँ। तो ये इतना लंबा बस उन मुद्दियों ने करा ना, पैसे वाले, हम गरीब, इतना पैसा हमारे पास नहीं है, हम सबको डाल दिया, 7 बंदों को डाल दिया, जैसे 3 मेरे भाई, 4 हम और थे, 1 माँ मेरी 75 साल उम्र थी। कत्ल हुए थे? दो मारे थे। लेकिन मुझे बताएं, आपने सोचा है कुछ के आगे आपने क्या करना है जिंदगी में, या किस तरह ये इतनी लंबी उम्र कटेगी, ये क्या बस अल्लाह मालिक है, हम लोगों ने कुछ नहीं करा, अल्लाह पे भरोसा, इंशाल्लाह बरी हो जाएंगे हाई कोर्ट से, हमको उम्मीद है, अपील डाली हुई। हाँ, डाली हुई है। अच्छा। हमको मैं देखे, हम तीनों बरी हो जाएंगे, हमारा कोई भी ऐसे साबित नहीं हुआ है, उसकी माँ का, उसके बिनोई का, आलोक के बयान पे हमको सजा लगाई है, साबित कुछ भी नहीं हुआ, जज ने लिख के दिया कि साबित कुछ नहीं हुआ है, मैं उनकी माँ के आलोक के बयान पे मैं सजा लगा रहा हूँ। लेकिन आलोक तो हम भी उठाने के लिए तैयार है कि हम लोगों ने नहीं करा है। आपसे नहीं लूं? नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी इंटरव्यू बहुत दिए हैं, कोई फायदा नहीं हुआ इंटरव्यू देने का। अच्छा। तो किस किस्म का फायदा आप चाहती हैं? हाँ? किस किस्म का फायदा चाहते हैं? आपने तो यहाँ औरतें काफी तैयारी की हुई है, ये आपके बेटा तैयारी की? जी, दो बेटे हैं यहाँ। दोनों यही है। और क्या नाम है दोनों? एक का बड़े छोटे का नाम है कमरान खान, बड़े का नाम है, छोटे का नाम रिजवान खान। छोटे का रिजवान? नहीं, बड़े का रिजवान खान है, छोटे का कमरान खान। अच्छा अच्छा। और कितने कितने साल के? ये तकरीबन 2 साल 2 महीने का है। अच्छा। और बड़ा वाला 3.5-4 साल का हो गया। आप यहाँ पर बेल तो देते नहीं है जज, औरतें अंदर ही पड़ी हुई हैं, कोई 8-10-11 साल से, कोई 5 साल से। आपका केस चल रहा है अभी या सजा हो गई है? नहीं, अभी 6 तारीख को कहने में फैसला होगा किसी चीज का। ये सबको जैसे मुदई बुलाते हैं और आयो बुलाते हैं, गवाह बुलाते हैं, इस तरह से फैसला होगा, आएंगे तो फिर पता चलेगा क्या होता है। आप इल्जाम क्या है? अगवा का इल्जाम है, किडनैपिंग का। किडनैपिंग का इल्जाम है? किडनैपिंग? हाँ। किसकी किडनैपिंग का? लड़की की, बच्ची की? बच्चे की, 13 साल की लड़की। और वो किडनैपिंग में बाजियाब हो गई? हाँ, बाजियाब हो गई। कहाँ से बरामद हुई? वो किसी और के घर में से निकली है। तो वो भी आपके क्या रिश्तेदार थी? नहीं, हमारे पड़ोसी थे। हाँ, उन्होंने आप पे शक डाला? हाँ, हम पे भी इल्जाम लगाए। अभी जब केस चलेगा तो फिर सारी बात सामने आएगी, क्या है क्या नहीं। कौन कौन आपके साथ और अंदर मुलव्वस हैं? मैं, या इल्जाम है जिसमें? मैं, मेरा भाई हो गया, और वो लोग हो गए सारे। हाँ। तकरीबन वो पूरा घर बंद है, और उनके जो साथ वाले बराबर वाले पड़ोसी हैं वो भी बंद है। नाज़रीन, यही कहना है इनका, कुछ जो है उनके केसेस चल रहे हैं, कुछ को सजाएं हो गई हैं, और जाहिर सी बात है कोई भी ये तो इतराफ़ नहीं करता कि उसने जुर्म किया है। बहरहाल अल्लाह करे कि जो बेगुनाह हैं उनको रिहाई मिले। आप देख रहे हैं बच्चे जो हैं उनके लिए हम गिफ्ट्स वगैरह भी लेकर आए हैं, और सैलानी ट्रस्ट वालों की तरफ से ये पूरा आज उनके मदद के साथ हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया है इनके साथ, ताकि हम शेयर कर सकें। यहाँ भी कुछ लोगों से बातें करते हैं। कैसी हैं अम्मा? हमेशा ही हूँ। क्या नाम क्या आपका? मेरा ज़ैनब। अच्छा। हाँ। तो आप यहाँ कितने अरसे से? महीना हुआ है, बेड हुआ है, हमारे से एग्जाम लगाया, मेरे को बहुत उर्दू नहीं आती, हम लोग मुतासर है, सुपरा इसे बैठे है। आप कितने अरसे से इधर है? इधर महीना हुआ है, 1 महीने पहले। हाँ। क्या एग्जाम है आप पे? लड़की गई है, वो एग्जाम हमारे पे लगवाया है। क्या लड़की? लड़की गई अपनी मर्जी से, पता नहीं, वो पड़ोस वाली थी, कम औरत आई थी काम के लिए, लेके गई है। नहीं, किसी को किडनैपिंग का इल्जाम है? हाँ, किडनैपिंग का इल्जाम। हाँ, वो बोलते है तो तुमने अगवा किया है। मैंने नहीं किया है, मैं बेकसूर हूँ बहुत, मेरे छोटे छोटे बच्चे। किधर हैं आपके बच्चे? हमारे बच्चे लासी गोट में किराए पे रहते हैं। हम लोग जो ये ना मुतासर है, सुपर हाई से बैठे हैं। तो उन बच्चों के साथ कौन है आपके? अपना अबू है, उसका मेरा शोहर है, छोटे छोटे मेरे बच्चे। शोहर मिलने आता है? आ जाया था, बुढ़ा
हम मजदूर है, बस प्यासों की झांकी करते हैं। खुदा के वास्ते हमारी मदद करो, हमारे को बाहर निकालो, हम लोग बेकसूर है, हमारा कोई कसूर नहीं, हमारे को कुछ नहीं चाहिए। आप अकेली पे इंसान है? अकेली हूँ मैं। लड़की बरामद हो गई? पता नहीं, हमारे को तो बंद करा दिया है, पता नहीं। किसने बंद किसने कराया? फारूक शाह है उसका नाम है, वो जो डॉक्टर कादर मंगसी का है, वो शाह है फारूक, वो हमारे से ऊपर से जो ये अफवाह के लड़की के अफवाह। हाँ, मैं आपके पास वकील है? नहीं, वकील भी नहीं, कुछ भी नहीं है। हम लोग वकील क्यों नहीं है आपके पास? हमारा गरीब है ना, खाने की वसीयत नहीं है, हम लोग कैसे वकील करूं, कैसे क्या? हुकूमत वकील देती है ना, हुकूमत तो वकील। वो आई थी, एक दफा आई थी, वो लिख गई है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आप हिम्मत करें, खुदा के वास्ते हिम्मत करें। हमारे बच्चे ये छोटे छोटे, आज भी मेरी बेटी आई, बहुत रोई थी, बीमार हुई है, हमारे को बाहर ईद के लिए, हमारे को बाहर निकालो, बच्चों के साथ ईद करो। मस्ता करो, मस्ता करो, मस्ता करो, मस्ता करो।